तो इस वीडियो में अपन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन देखेंगे कि गामा फंक्शन को अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसको डिराइव कैसे करता है वो देखता है अपन यहाँ पर। तो गामा फंक्शन होता क्या है? सो गामा ऑफ एन को अपन कैसे डिफाइन करता है? 0 to infinity e रेस टू पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन dx, इस तरीके से। अब यहाँ पर अपन को इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि e रेस टू पावर माइनस एक्स को तुम यहाँ पर वाई सब्सटीट्यूट कर दो, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करो dx इज इक्वल टू dy, और यहां से तुम क्या लिख सकते हो, अगर इस इक्वेशन में दोनों तरफ लॉग ले ले तो यहाँ पर लिख सकता है x माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ y, इस तरीके से यहाँ पर लिख सकता है। तो अब यहाँ पर अपन सब्सटीट्यूट कर देते हो, किस टाइप का बन जाएगा, जो अपनी लिमिट है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। जैसे y की वैल्यू 0 होगी, सॉरी एक्स की वैल्यू 0 होगी, उस समय वाई की वैल्यू क्या होगी, ई रेस टू पावर 0, देन वाई इज इक्वल टू वहां पर 1 हो जाएगा। तो ये लिमिट अब यहाँ पे 1 हो जाएगी, और यहाँ पर ये वाली जो लिमिट है ई रेस टू पावर माइनस इंफिनिटी तो 0 होगा, सो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। सो ये तो अपन ने लिमिट चेंज कर दी, ई रेस टू पावर माइनस एक्स की जगह अपन वाई पुट करने वाले हैं, और एक्स की जगह यहाँ पे माइनस ऑफ लॉग वाई पुट कर देता हूँ मैं, और उसकी पावर यहाँ पे अपने पास एन माइनस वन है। डीएक्स की जगह मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ माइनस ऑफ डीवाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा इस तरीके से। सो यहाँ पर ये किस फॉर्म का हो गया, ये वाई तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो अपने पास बचा क्या, यहीं पर देखे तो 1 to 0, यहाँ पर एक माइनस से का ये बचा अपने पास, मतलब इसी चीज को यहाँ पे माइनस को कैसे यूज कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, और ये दिस, और इस माइनस साइन का अपन यूज कर लेते हैं इस लिमिट को चेंज करने में। सो उसका भी मैं यूज करता हूँ, तो इसका अपन लिमिट को चेंज करने में यूज कर लेता है। सो लॉग ऑफ 1 by y की पावर एन माइनस वन डी वाई, इस तरीके से अपन यहाँ पर अपन गामा फंक्शन को लिख सकते हैं। सो इस तरीके से अपन को ये प्रूफ करना था जो अपन ने यहाँ पे कर लिया है। तो अब तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होता है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो, मिलता है बाद में।